नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, हरितालिका तीज की हार्दिक बधाई। आज मैं आपको बता रही हूँ शिव पार्वती के इस पवित्र त्यौहार को मनाते हुए आप माता पार्वती की सिद्धि किस तरह से करें। स्पेशली जिनके जीवन में पति पत्नी संबंधी दिक्कत चल रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए ये उपाय बिल्कुल ही कारगर हैं। आपको क्या करना है, अपने सारे बाल सिर के ऊपर लेने हैं और ऊपर जहाँ शिखा होती है वहाँ पर जूड़ा बना लेना है और उस पर एक फूलों की माला लपेट लेनी है। इसके बाद आपको पार्वती मंगल का पाठ करना है। माता पार्वती के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है और कम से कम 1 घंटे तक आपको ऐसा करना है। इसके अलावा आपको अपने पति को शिव रूप में देखना है। आपको ये सोचना है कि वो सामान्य इंसान नहीं है बल्कि आपके लिए भगवान है। ऐसा करने से आपकी फीलिंग्स उन तक पहुँचेगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सम्मान मिलने लगेगा, आपका वर्चस्व रहेगा घर में और पति जो आपको छोड़कर कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं वो स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। ये काम आप शुरू करके रेगुलर करें और माता पार्वती का ध्यान करें और ये सोचें कि माता पार्वती ने जिस तरह से अपने पूरे परिवार को बांध रखा है अपने स्नेह बंधन से, उसी वही क्षमता माता आपको देवें जिससे कि आपके अवगुण या कमियां दूर हो सकें और आपके घर में भी वो एकता का भाव बना रहे। ये बहुत ही ज़बरदस्त साधना है और ऐसा करने से माँ पार्वती साक्षात आपको गाइड करेंगी कि आपको किस तरह से किस मार्ग पर चलना है। लेकिन इसमें जितनी डीप आपकी फीलिंग्स होंगी उतने ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये काम आप रेगुलर भी कर सकते हैं। इसके अलावा माता गौरी का मानसिक जाप डेली करें। डेली उनको अपनी इमेजिनेशन में लेकर आएं और उनके चरण वंदना करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको मार्ग दिखाएं कि जीवन में कब कब आप गलत निर्णय ले रहे हो, तो वो आपको मार्ग जरूर दिखाएंगी और इस तरह से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगेंगी। इससे आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा तो मिलेगी ही, पति का भरपूर प्यार और सपोर्ट मिलेगा। पति आपको छोड़ने का कभी सोचेंगे भी नहीं। तो पति के हिसाब से चलें, पति के हिसाब से चलने वाली स्त्री सुखी रहती है। लेकिन यहाँ मैं जानती हूँ कई पति शराबी कबाबी दुष्ट स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर आप उनके अंदर अच्छी फीलिंग डालेंगे और उनको भगवान स्वरूप समझेंगे तो निश्चित रूप से उनका कायाकल्प होने लगेगा। क्योंकि जब आप जानते हैं कि वो खराब हैं, ऐसे गंदे हैं और आप बार बार वही बात सोचते हो तो वो ज़िंदगी में कभी सुधर नहीं सकते हैं। आप उनकी जितनी भी बुरी बातें हैं उनका चिंतन ना करो, ना ही चर्चा करो किसी से। आप ये सोचो कि इनमें कोई ऐब ही नहीं है। ये शराब अगर पीते हैं ना तो ये सोचो इन्होंने शराब छोड़ दी है, ये शराब नहीं पीते, इनको शराब पसंद ही नहीं है। बार बार ये बोलो, ये अपनी पत्नी को मतलब यानी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। नहीं करें तो भी ये सोचो। जब धीरे धीरे ये प्रक्रिया आप करोगे ना, आप देखना जबरदस्त तरीके से आपकी ज़िंदगी बदलेगी और आप किसी बात पे विचलित नहीं होगे। छोटी छोटी बातों पर टेंशन पालना, छोटी छोटी बातों को रिएक्ट करना बंद करो। अब आपकी शादी हो चुकी है, आप मैच्योर इंसान हो, कब समझदार बनोगे आप, कब समझदार बनोगे? छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते हो, इससे आप ही परेशान हो रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी बजाय जो उपाय मैंने बताया है वो करो, उसी से आपकी बिगड़ी बनेगी। बस इतनी सी बात आपको समझनी है और यही बात आपको नहीं समझ आती है। आप अपने सास से, माँ से, आस पड़ोस वालों से अपने पति की बुराई करते हो, बात करते हो, तो उससे बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है, आपका सम्मान और ज़्यादा कम हो जाता है। अपनी बातों को गुप्त रखना सीखो। इस कान से उस कान को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि पति पत्नी के बीच में चल क्या रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सूत्र बता रही हूँ मैं आपको। और जिस दिन ये करोगे ना, उस दिन आपकी सास आपकी इज्जत करेगी, ससुराल वाले इज्जत करेंगे। देखो, मायके वाले भी ना, जब उनके आगे आप अपने पति की बुराई करते हो ना, तो आपकी खुद की इज्जत कम हो जाती है। स्पेशली आपकी अगर भाभी हैं तो भाभी को तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि अच्छी भाभियाँ कहाँ मिलती हैं, बहुत कम होती हैं। जो अच्छी हैं वो तो इस बात को सीरियसली लेगी, लेकिन जो बुरी भाभी होगी वो तो बड़े मज़े ले लेके अपने पीहर उसके पीहर वालों को बताएगी, देखो मेरी नंद के साथ ये हो रहा है, मेरी नंद ऐसी है। इस चीज़ को कब समझोगे आप? थोड़े से मैच्योर परिपक्व बनो। जिस दिन आपने अपने पति की बात को बाहर वालों को बताना बिल्कुल ही बंद कर दिया, उस दिन सारी जो है ना, जिसको बोलते हैं सारे सुख आपकी मुट्ठी में होंगे और कोई आपको हिलाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा सूत्र मैंने आज के वीडियो में आपको दिया, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। भगवान में श्रद्धा रखो, माता गौरा में श्रद्धा रखो, आपका घर गृहस्थी सब आबाद होगी। कई बार क्या होता है कि खुद की गलतियाँ नज़र नहीं आती, दूसरों की गलतियाँ नज़र आती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखो तो जिससे आपकी बिगड़ी बनेगी। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपको बहुत प्यार करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ और आपको अपनी छोटी बहन की तरह ही समझ रही हूँ, इसलिए आज के वीडियो में ये जानकारी आपको दे रही हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं ये सुनती हूँ या आप मुझे कमेंट में भेजते हैं कि आपकी गृहस्थी में प्रॉब्लम चल रही है। मैं जो अगर आपने मुझसे परामर्श लिया है और मैंने जो उपाय आपको दिए हैं बताए हैं, प्लीज़ आप उन उपायों को करो। क्योंकि आप उन उपायों को नहीं करके फिर आप नेगेटिव बात सोच रहे हो, तो इसका तात्पर्य यही है कि जिन लोगों ने भी आप पर नेगेटिविटी छोड़कर आपकी गृहस्थी को तबाह करने की चेष्टा की है, आप खुद उनको जिता रहे हो, अपने आप को हरा रहे हो। अगर अपने आप को एक विजेता के रूप में साबित करना है तो वो उपाय करो। उपाय करने से देखना कितना ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। कोई आपके ऊपर एक उंगली नहीं उठा सकता, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन करो तो सही।
जिन लोगों ने अभी तक परामर्श नहीं लिया है परामर्श लीजिए। पति पत्नी मैटर में दोनों की ही कुंडली भेजनी जरूरी है। बच्चों के बारे में जानते हैं तो अच्छा होगा उनके खुद की भी कुंडली भेजें। देखो पैसा एक बार तो खर्च करना पड़ेगा, पैसा ही बचा लो या तकदीर ही चमका लो, दोनों में से एक काम हो सकता है। पैसा बचाओगे तो तकदीर कैसे चमकेगी? तकदीर चमक रही है या नहीं चमक रही है आपको पता कैसे चलेगा? पैसा तो फिर आ जाएगा लेकिन ये जो वक्त निकल गया दोबारा नहीं आएगा। जो उपाय आपको अभी करने हैं उनको टाले जा रहे हो टाले जा रहे हो, स्थिति विकट हो जाएगी, फिर उपाय भी काम नहीं करेंगे। इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो? कई बार टाइम इतना ख़राब आने वाला होता है और पता तक नहीं होता आपको, और जब कुछ सब कुछ बिगड़ जाता है उसके बाद किसी ज्योतिषी के पास जा रहे हो तो क्या मतलब है उस चीज़ का? ज्योतिष की सार्थकता यही है कि पहले ही पूछ कर सारे उपाय करो जिससे कोई संकट आपके जीवन में ना आ पाए। तो अपनी कुंडली का परामर्श लो। ऑफ़र अभी नहीं है कोई भी, ऑफ़र बाद में दिया जाएगा लेकिन अभी कब दिया जाएगा इसके लिए कोई वो नहीं है, तो इसलिए तुरंत परामर्श लो, डिले मत करो। 1,500-2,000 को मत देखो, परामर्श ले लो। इसके अलावा एक और पैकेज मैं दे रही हूँ जिसमें कुंडली के साथ साथ आप अपने घर का नक्शा भी भेजें। कई बार क्या होता है कुंडली की दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं होती है लेकिन जिस जगह आप रह रहे होते हैं वहाँ ज़बरदस्त नेगेटिविटी होती है और वो जगह आपको नहीं पनपने देती क्योंकि वो जगह शापित होती है। शापित का मतलब आज की नहीं कई सालों पुरानी शापित होती है और उसका निवारण जब तक नहीं होगा तब तक बरकत उन्नति घर के लोगों की तरक्की नहीं होती है और यही कारण है कि हर काम में बाधा आती है। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो घर का नक्शा ज़रूर भेजो जिससे कि हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सकें। आप अपने घर की हीलिंग भी करवा सकते हो, घर का कोई सदस्य आपके हिसाब से नहीं है उसकी भी हीलिंग करवा सकते हो आप। हीलिंग ज़बरदस्त प्रोसीजर होता है, वो भी आप करवा सकते हो। इसके अलावा जिनकी कुंडली नहीं है वो अपने हाथों के प्रिंट भेज सकते हैं, अपना फेस रीडिंग करवा सकते हैं, अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं। घर का कोई सदस्य या कोई भी इंसान जो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है उसकी हीलिंग करवा के उसको अपने हिसाब से बना सकते हो। इतने तगड़े तगड़े उपाय हैं हमारे पास में। आप चाहो कि भाई मंत्र नहीं करना तो हम उसका भी विकल्प आपको बताते हैं, पर हमारा सलाह यही रहती है कि आप कोशिश करें कि आप मंत्र जाप करें क्योंकि ये फ्री का काम होता है, इसमें आपको समय देना होता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो डिटेल में भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं। क्योंकि हम जो आपको परामर्श देते हैं नॉमिनल चार्जेस पर, उसमें आप एक ही सवाल पूछ पाते हो। अब आपके पास सवालों की लिस्ट है, बहुत ज़्यादा सवाल आपको पूछने हैं तो आपको ज़्यादा राशि जमा करानी पड़ेगी। और देखो ये पैसा जो है ना ये कई गुना होकर आपके पास वापस लौट जाएगा। इस चीज़ को जिस दिन आप समझ लोगे उस दिन आपकी नैया पार हो जाएगी। तो जो भी मैंने उपाय बताए हैं जिन लोगों को, वो पूरे शिद्दत से करें, पूरी ईमानदारी से करें तो उनको फ़ायदा मिलेगा और आपके द्वारा किए गए उपाय आप ही को फल देते हैं। अगर आप उन उपायों को करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो ये समझ लो कि आपकी कुंडली की प्रॉब्लम्स भी फिर मुश्किल से ही दूर हो पाएगी। कई लोगों का टाइम इतना ख़राब आने वाला है, मैंने उनको इतने उपाय लिख के भेजे लेकिन वो उपाय नहीं कर रहे और बार बार सवाल ही पूछे जा रहे हैं, तो बताओ कैसे बात बनेगी? एक बार आपने सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दे दिया। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, आपको ज़्यादा सवाल पूछने हैं, तो बड़ा पैकेज लीजिए। उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे जमा कराने पड़ेंगे। इस ऑफ़र में वो लाभ आपको नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ा से पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। फिर आप एक से अधिक सवाल पूछिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।